आखिरी लाइन थे इस गाने की, और जितने देर का ये बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया, मुझे लगता है यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति भावुक हो चुका था, उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। ये कुछ मिनटों का एक नाटक था, एक गाने की प्रस्तुति थी, लेकिन हमारे बीच में हमारे मेजर साहब, कर्नल साहब, जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बखूबी इस बात को समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने एक मूवी के माध्यम से पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, उस मूवी को मैंने भी देखा, आप सबने भी देखा ही होगा, उसके माध्यम से पता चलता है कि एक जवान की कितनी टफ लाइफ होती है, कितना कुछ उन लोगों को सहना पड़ता है, और किस तरीके से वो अपनी जान पे खेल के हमारे देश की रक्षा करते हैं। जब वो बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए बॉर्डर पे मौजूद है, हर जगह लड़ने के लिए तैनात रहते हैं, तभी हम और आप अपने घरों में सेफ हैं, हम लोग महफूज हैं, हम लोग त्यौहार मना पाते हैं। और इन्हीं सब सोच को रखते हुए एक दिया शहीदों के नाम इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया कि एक दिया उन जवानों के लिए भी जलना चाहिए जो शहीद हो चुके हैं हमारे देश के लिए। दीपावली में अक्सर हम लोग अपने घर में दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन जवानों का क्या, उन शहीदों का क्या जो हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आगाज किया और तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम अभी तक चलता आ रहा है, और आज हमारे बीच में इतने गणमान्य लोग उपस्थित हैं, वह इस कार्यक्रम को अभी तक इतने खूबसूरती से ये कार्यक्रम चला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल इसी तरीके से एक दिया शहीदों के नाम इस मंच पे कार्यक्रम होता रहेगा और वहाँ पर दीप जलता रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में उप महापौर पुष्पा सिंह कुशवाहा जी उपस्थित हैं, वे मंच पर आएँ और दो शब्द कहें। फक्र के साथ कहना पड़ा है कि हम लोग लगभग हर दिन किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, लेकिन आज जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वहाँ आत्मा को झिड़झोड़ देने वाला ये कार्यक्रम है, और बहुत फक्र की भी बात है कि हमारे शहर में एक चैनल है, पैकेट चाहिए, वही मिलेगा सर, बता रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज, इस बैनर के तहत एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का के तहत भारत में उन शहीद हुए हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों की लोकप्रिय पूर्व विधायक आशा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित कर्नल साहब, मेजर साहब, भोजपुर दर्शन के कुशल प्रबंधक और संचालन विभाग, निर्भीक कार्यक्रम और समाचार को देने वाले, साथ ही साथ नेताओं को अच्छी तरह घेरने का गुण जिसमें है, हमारे बीच बैठे हुए राजेश तिवारी जी, जिसको मनी कहेंगे, हम लोग के बीच बैठे हुए हैं रणविजय बाबू, जिनकी आवाज़ में ताकत है कि जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है तो लोग सांस रोक कर भी उनकी आवाज़ को सुनता है, उनकी बातों को सुनने लगता है। और लगातार भोजपुर जिला में ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है जो उनके बिना पूरा हो, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो या किसी का संस्था का अपना कार्यक्रम हो। हमको नहीं लगता है कि रणविजय बाबू के बिना कोई भी कार्यक्रम पूरा होता है, तो इनके कुशल संचालक के लिए ये प्रसिद्ध माने गए हैं, और इनको पूरा भोजपुर ही नहीं पटना तक लोग जी। और इस कार्यक्रम में अशोक तिवारी जी, तमाम मीडिया के लोग आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ मैं, उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि आप वंदनीय हैं जिनके घर में ऐसे वीर सपूत का जन्म हुआ।
देश तो हम सबों का है, भारत देश, आजाद भारत की कल्पना हमारे देश के नेताओं ने जो किया और उसको पूरा करने में, उस आजाद भारत को आजादी दिलाने में जिन्होंने अपना शहादत दिया, हम उनको भी इस कार्यक्रम, इस मंच के माध्यम से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे लाल जिस तरह से हमारे सीमा पर रक्षा करते हैं, हमारा हर परिवार, भारत का हर नागरिक अमन चैन के साथ सोता है। यकीन मानिए, उनकी बातों को कहते हुए हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, यहाँ सुनने वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जिस समय वो लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं और उनकी जान जाती है, तब भी उस वीर सपूत की आंखों में आंसू नहीं आते। वो बच्चा इतना देश के प्रति समर्पित होता है और देश के का जो जज्बा होता है कि हमारा देश दुश्मनों से सुरक्षित रहे, तो आज उन्हीं के नाम पर एक दिया, शहीदों के नाम कार्यक्रम के आयोजनकर्ता आजाद कुमार भारती को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देंगे। ये कार्यक्रम हर साल करें और सबको बुलाएं, उनके बहाने हम लोग को भी मौका मिलता है शहीदों के नाम दिया जलाने का। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि हम भी इस मंच के माध्यम से उन वीरों को सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उस परिवार को हम प्रणाम करते हैं इस मंच के माध्यम से। और ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे, बहुत सा कार्यक्रम है जिससे जिसमें हम लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज का मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हमारी जो भी भूमिका रहेगी, जब इस तरह का कार्यक्रम होगा कर्नल साहब के तरफ से भी अगर कोई कार्यक्रम होता है और हम लोग को मौका मिलता है तो हम लोग जरूर आएंगे। हम लोग की भी इच्छा रहती है कि हमारे देश के लिए जो लोग पूरे परिवार को छोड़कर के देश को अपना घर बना लिए हैं, उस घर में रहने वाले को हम सच्ची श्रद्धांजलि दें और उनको सैल्यूट करें। जय हिंद, जय भारत। एटीएन सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने के।